आदिवासी संगठनों का रांची बंद असरदार, कई चौक चौराहे पर आगजनी कर सड़क जाम की कोशिश। सरना झंडा के साथ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बंद के कारण यात्रियों को परेशानियां उठानी पड़ी, कई शैक्षणिक संस्थान और स्कूल बंद रहे। सीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू। केंद्रीय सरना समिति और पहान महासंघ समेत कुछ अन्य संगठनों की ओर से शनिवार को रांची बंद का आह्वान किया गया। रांची बंद असर देखने को मिला। बंद समर्थक सरना झंडे के साथ साथ सुबह सुबह विभिन्न चौक चौराहों पर निकले और विरोध प्रदर्शन किया। सरना झंडा को उखाड़कर जलाने के विरोध में बंद। सरहुल पूजा के बाद रांची के लालपुल में पिछले दिनों सरना झंडा को उखाड़े जाने और उसे जलाने की घटना से रांची में सरना समाज आक्रोशित है। इस घटना को लेकर शनिवार को केंद्रीय सरना समिति और पाहन महासभा की ओर से बंद का आह्वान किया गया। बंद को सफल बनाने के लिए सुबह सुबह समाज के लोगों ने रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर जाम कर दिया। आदिवासी संगठनों के मेंबर्स अपने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने के साथ दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। रांची के बिरसा चौक पर बंद समर्थक सुबह 8 बजे से सड़कों पर उतर आए। सरना समाज के लोगों ने बांस और बलियों से बिरसा चौक के विभिन्न मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। इस मौके पर कुछ बंद समर्थकों ने सड़कों पर टायर जलाकर भी विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सरना झंडा उखाड़ कर फेंकने वाले दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। हालांकि कुछ देर में पुलिस प्रशासन का पूरा जत्था घटनास्थल पर पहुंच गया। पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों से बिरसा चौक खाली करने की अपील की गई, लेकिन बंद समर्थक पुलिस की ओर से बार बार समझाए जाने के बाद भी सड़क जाम कर नारेबाजी करते रहे। बाद में सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें जगन्नाथपुर थाने ले गई। बंद के कारण स्थानीय लोगों को कुछ समय तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह सुबह ऑफिस टाइम होने की वजह से बंद समर्थक कई लोगों से उलझते भी देखे गए। दूर दराज से कई यात्री भी परेशान दिखे। यात्री बस, ऑटो और रिक्शा नहीं चलने के कारण कई यात्रियों को पैदल आते जाते देखा गया। कई शैक्षणिक संस्थान और स्कूल बंद रहे। बंद के मद्देनजर रांची के कई स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों ने पहले ही अवकाश की घोषणा कर दी थी, जिसके कारण स्कूली बच्चों को परेशानी नहीं हुई, लेकिन ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सीएम आवास के आसपास 144 लागू। बंद के मद्देनजर रांची में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस दिख रही थी। विभिन्न चौक चौराहों पर और मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री सचिवालय के आसपास 144 धारा लगा दी गई। इसके साथ ही 5 लोगों को एक साथ एकत्र होने और ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।